हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिवरान टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास है जियो फोन और फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर आप अपडेट करते हैं उस टाइम आपका अपडेट नहीं होता, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं अपडेट होता और फ्रेंड्स कैसे वो होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं उसके रीजन बता देता हूँ कि क्यों नहीं होता। फ्रेंड्स एक बार आपने जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, एक बार होता फ्रेंड्स, वो दूसरी बार क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रेंड्स आपके फोन में वायरस ज्यादा है। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स अगर आपके फोन में वायरस होगा तो फ्रेंड्स वो एक ही बार अपडेट होगा, दूसरी बार अपडेट नहीं होगा। और दूसरी बात रही फ्रेंड्स ये कि आप अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो फोन आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर इस मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि आपने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया फ्रेंड्स, एक बार तो वो हो जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स वो होता नहीं है, बस खाली एरर दिखा देता है। फ्रेंड्स इसके रीजन ये है कि आपका फोन रीसेट मांग चुका है फ्रेंड्स, उसको आप रीसेट कर दो। ये फ्रेंड्स आप रीसेट करते हो, रीसेट कैसे करना फ्रेंड्स, आप हार्ड रीसेट करो फ्रेंड्स, खाली रीसेट से कुछ नहीं होगा। खाली रीसेट से फ्रेंड्स आप फोन में कुछ भी कटेगा नहीं, वैसे आपकी जो मेमोरी होती है फ्रेंड्स वो तो डिलीट हो जाएगी, बट जो वायरस होता है फ्रेंड्स वो एक जिद्दी होता है, वो उसके अंदर ही रहता है। उस कारण फ्रेंड्स आप दोबारा से अपडेट करो फ्रेंड्स उसमें अपडेट नहीं होगा। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको हार्ड रीसेट करना है। ये फ्रेंड्स आप पूछो कि हार्ड रीसेट कैसे होता है। फ्रेंड्स हार्ड रीसेट एक तो हम जो किसी कॉल आती है जिसे सब कुछ काट देते, जो रेड कलर बटन होता है उसको और एक 8 नंबर का जो बटन होता है उसको एक साथ दबाना। फ्रेंड्स एक साथ दबाते फ्रेंड्स आप अगर आप स्विच ऑफ फोन, पहले आपको स्विच ऑफ कर देना है फोन को, फिर आप उन दोनों को एक साथ दबाओगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो हार्ड रीसेट का ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वो आ जाएगा। उसके अंदर एक मतलब फोन हार्ड रीसेट की सेटिंग होती है, उसके ऊपर जाके आपको उसको ओके कर देना, फिर उसके बाद आपका फोन हार्ड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहो इतनी बार अपडेट करो, आपके फोन में व्हाट्सएप भी आ सकता है फ्रेंड्स। अगर आप हार्ड रीसेट करते हो, हार्ड रीसेट करते ही आपके फोन में व्हाट्सएप भी आ जाएगा शायद फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नहीं आता, यूट्यूब तो आना ही आना फ्रेंड्स, वो तो गारंटी है किस्म की कि आपके फोन में व्हाट्सएप तो आए ना आए पर यूट्यूब जरूर आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर फ्रेंड्स वो डाल रखा है, अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपके फोन में वायरस होगा इसी कारण फ्रेंड्स आपके फोन में अभी तक नहीं आया होगा, तो फ्रेंड्स अब आ जाएगा फ्रेंड्स आप जिस तरह अपडेट करते हो। ये फ्रेंड्स आपने मैंने आपको बता भी दिया कि अपडेट कैसे होगा। तो फ्रेंड्स आपको पहले आपको अपने फोन को हार्ड रीसेट करना होगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपके फोन में व्हाट्सएप आएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और फ्रेंड्स आप मुझे बता दिया करो कि हमें मतलब जियो फोन के बारे में चाहिए या फिर किसी और के बारे में चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको मतलब अगर आप ये सब बताते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको मुझका सॉल्यूशन दूंगा और आपको वीडियो बना दे दूंगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।